तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि बटन स्टोर। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक से होंगे। फिलहाल आप ये देख रहे हैं मेरा एक वेरीगेटेड वाला जो है लेमन है, जो बोलते हैं नींबू, नींबू का पौधा जो कि मैं वही से लेकर के आया था। तो इसको मैं आज करने वाला हूँ रिपोर्ट, क्योंकि ये काफ़ी समय से मेरे पास रखा हुआ है। इसी तरीके से मेरे क्लाइमेट के अंदर, जैसे कि मैं बोलता हूँ हर बार कि आप जो है एक बार जो है जब भी नर्सरी से ख़रीद करके लेके आएँ तो उस पौधे को कम से कम 5 से 8 दिन के करीब अपने घर के क्लाइमेट में रखें, फिर पौधों के साथ इस तरीके से जैसे ये मेरे पौधे हैं इन्हीं के साथ मैं रख देता हूं। तो फिलहाल आज मैं जो है इसको करने वाला हूं रिपोर्ट, और रिपोर्ट करने के लिए ये मैंने 12 इंच का तो नहीं है, लगभग ये 10 इंच का गमला है। इसके नीचे मैंने थर्मोकोल बिछा रखी है और ये मैंने सॉइल मिक्स वाला लिया है, पर इसमें थोड़ी सी सॉइल मैंने 10% ऐड की है, ये वाली जो मेरी गार्डन सॉइल जो कि मेरी पहले से ही बहुत बढ़िया से बनी हुई मिट्टी है, तो इसको मैंने लिया है और इसको थोड़ा सा ऐड किया है। बाकी आपको इसका मिक्स जो मैंने बताया, इसके अंदर मेरा राइस हस्क है, कोकोपीट है और फंगीसाइड है, एप्सन साल्ट है, वर्मी कंपोस्ट है और उसी के साथ ही साथ आयरन यानी कि फेरस है। तो चलिए फटाफट से हम देरी ना करते हुए अपने लेमन के पौधे को निकालते हैं, और पौधे को निकालने के साथ ही हम इसको मीडिया भरते हैं। तो जैसा भी रिजल्ट होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यह है मेरा गमला, गमले के अंदर हम फटाफट से इस मीडिया को ले लेते हैं और देखेंगे कि इसका के किस तरीके से रिस्पॉन्स रहा है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ अभी, और क्योंकि थोड़ी बहुत मीडिया तो इस तरीके की ये मिट्टी है इसके अंदर लगी हुई, तो हम ये चाहते हैं कि इसकी मिट्टी को हम यहाँ से हटा दें, जो ऊपर की जो भी है लगभग कुछ परसेंट तक हमें इसे हटा देना चाहिए, और ये 100% हटाएंगे नहीं, 100% हटाने में थोड़ा सा खतरा रहेगा, 100% तक हटा दिए। देखें ये 70% मैंने इसकी मिट्टी को हटा दिया है कंप्लीट, और बाकी जो है ये देखें जड़े ही जड़े दिख रही हैं। बाकी ये अंदर जो पॉट है बना हुआ मिट्टी का, वो हम उसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसे हम रखते हैं इसके अंदर, और ये मीडिया कैसा रहता है और फ्रूट प्लांट के लिए या फिर जो है इस तरीके के रोज़ प्लांट के लिए, तो मैं आपके साथ बहुत अच्छे से इसका जो है वीडियो इसका एक्सप्लेन करूँगा आने वाले समय में, और इसके साथ क्या क्या मैं करने वाला हूँ इस मीडिया के साथ वो सब बातें आपको बताऊँगा मैं आने वाले समय में, क्योंकि मैं बहुत सारे प्लांट अपने इसी तरीके की मीडिया में लगाने वाला हूँ। और इंडोर तो आप जानते ही हैं सारे इसी में ही लगते हैं, बाकी आउटडोर भी मैं इसी के अंदर लगाने की कोशिश करूँगा। हालांकि मेरे हिबिस्कस के प्लांट और मैक्सिमम प्लांट मैं इसी मीडिया के अंदर लगाने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा हो गया लगकर रेडी, और बहुत ही लाइट वेट है ये, आप छत पर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसमें हम पानी दे देंगे, और जो भी हमारा मीडिया यहाँ से बैठेगा, सॉइल लेस है, पर सॉइल लेस नहीं बोल सकते क्योंकि 10% मैंने जो है इसके अंदर मिट्टी ऐड की है। तो ये है सील, ये देखें यहाँ से कितने अच्छे से इसका जो है ड्रेन होना शुरू हो चुका है, ये पानी बैठ जाएगा और नीचे से बहुत जल्दी से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये है मेरा वीडियो आज लेमन प्लांट के ऊपर। तो लेमन प्लांट को आप देखें माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी प्लांट है मेरा, और इसको जो है वेरीगेटेड वाला है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अब वेरीगेटेड में कुछ ज़्यादा है, इंडोर के साथ साथ रोज़ में तो है ही, रोज़ भी आप इस रोज़ प्लांट के ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और आपने जैसा कि मेरा वीडियो देखा भी होगा रोज़ प्लांट के ऊपर बड़ा लगभग समथिंग 1 से 1.5 महीने के दरमियान मैंने उस वीडियो को शूट किया था, तो उसको आपको मैंने पब्लिक किया था। तो इसी के मद्देनज़र देखते हुए मैं चाहता हूँ कि आपको भी ईजी गार्डनिंग हो, और इस तरीके का मीडिया मैं तैयार करूँगा अपने पास, इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट है वो मिलाऊँगा, और मैं इसको सेल भी करूँगा। अगर इसका रिज़ल्ट सही रहता है तब मैं इसको सेल भी करूँगा, तो आप हमसे परचेज भी कर सकते हैं। हम इसके जो है मिनिमम से मिनिमम 10 kg का बैग और मैक्सिमम 50 kg का बैग हम इसका तैयार करेंगे। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आप देख सकते हैं पहली बात तो यहाँ से पानी हमारा देखें कितने ड्रेन हो रहा है यहाँ से। और एक चीज़ सलाह और देना चाहूँगा मैं आपको साथ के साथ, अगर आप इसको स्टैंड पे रख लेते हैं, लोहे का स्टैंड हो या लकड़ी का हो या किसी भी तरीके का, थोड़ी ऊंचाई पे ईंट ऊट पे, तो इसका ड्रेनेज सिस्टम और अच्छा हो जाएगा, तो इसमें पानी और भी नहीं रुकेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप इसके नीचे कोई स्टैंड लगा लें, तो बस इसका आप ध्यान रखें, बाकी इसमें से भी ड्रेन हो जाएगा पानी अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो आज जो है पूरे एक महीना हो चुका है इसको, इसमें लगाए हुए पौधों को हमें, और क्योंकि हमने ये 13 नवंबर को इसमें शिफ्ट किया था और आज हो चुकी है 15 दिसंबर। तो ये देख सकते हैं ये काफ़ी समय से इसके अंदर रखा हुआ है, माशाल्लाह ठीक ठाक है फ़िलहाल। हालांकि नई ग्रोथ तो अभी तक नहीं दिखी है, पर हाँ ये भी है कि चीज़ पौधा हमारा मरा भी नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।